Good morning, students. Today I am going to explain you chapter 5, The Giving Tree. It was the story of a boy and a tree and their bonding. Now come to the story. A long time ago, there was a huge apple tree. A little boy loved to come and play around it every day. He climbed up to the tree top at the apple and took a nap under the shadow. He loved the tree and the tree loved to play with him. Time went by. The little boy had grown up and he no longer played around the tree every day. Now, a long time ago, there was a huge tree and a boy. The tree loved the boy and the boy loved to play with the tree. He used to climb up the tree top and ate all apples, and he took a nap under the tree shadow. He loved the tree. One day, the boy came to the tree and said, he looked sad. And then tree asked him what happened. Then the boy said, I am no longer a kid now. He doesn't want to play with the tree anymore. He said that he wanted some money to buy new twice. Now come to the Hindi expression. A long time, बहुत समय पहले की बात है, एक huge, एक बहुत विशाल पेड़ था, जो कि किसका था, सेब का पेड़ था, और एक छोटा boy, जो कि एक लड़का, जो वहाँ पर आता था उस पेड़ के साथ में खेलने के लिए हर दिन, वो उस पे चढ़ता था, उस पे टी टॉप ऊंचाई पे चढ़कर वो सेब को खाता था एंड और उसकी छांव में सो जाता था. उसे ट्री के साथ, पेड़ के साथ खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था. और धीरे धीरे टाइम गुजरता है और जो छोटा बच्चा रहता है, लड़का रहता है, वो बड़ा हो जाता है और उसको अब ट्री के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता है. एक दिन क्या होता है, वो लड़का आता है पेड़ के पास में एंड वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई देता है. तो पेड़ उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों दिखाई पड़ रहे हो, तब इतने दुखी क्यों दिख रहे हो. तो लड़का कहता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ खेलना अच्छा नहीं लगता है, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मुझे पैसे चाहिए. किसके लिए? खिलौनों को खरीदने के लिए. मुझे खिलौनों के साथ खेलना अच्छा लगता है. तो पेड़ जो रहता है वो उससे कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, पिक अप ऑल माय एप्पल्स, तुम जितने मैं तुम्हें सेब देता हूँ और वो सेब तुम मार्केट में ले जाकर बेच दो और उससे जो पैसे तुम्हें मिलेंगे उससे तुम अपने खिलौने खरीद लेना. पेड़ इस बात से बहुत, वो बच्चा जो रहता है इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. वो जाता है और उन सेबों को बटोर के इकट्ठा करके ले जाता है, मार्केट में ले जाकर बेच देता है. अब वो लड़का बेच के खिलौने खरीद लेता है और वहाँ पर खेलने के लिए अब नहीं आता है. लेकिन पेड़ उसके नहीं आने से उसको बहुत मिस करता है, उस लड़के को, और वो दुखी हो जाता है. उन एप्पल्स को ले जाने के बाद में वो उसको ले जाके बेच देता है और खिलौने खरीद लेता है. उसके बाद वो काफ़ी समय तक
पेड़ के पास नहीं आता, लेकिन पेड़ उसके ना आने से बहुत ज़्यादा दुखी होता है। अब क्या होता है, थोड़े दिन बाद क्या होता है, वो लड़का बड़ा हो जाता है और एक आदमी, मतलब यंगर बड़ा लड़का बन जाता है, इंसान व्यक्ति बन जाता है। वो फिर वापस पेड़ के पास में आता है, तब पेड़ उससे वापस कहता है, कम एंड प्ले विथ मी, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, आई हैव टू वर्क फॉर माई फैमिली। तो वो पेड़ उससे कहता है कि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं, मुझे अपने परिवार के लिए काम करना है और उनकी उनको शेल्टर, उनको शरण देने के लिए, उनके लिए घर की व्यवस्था करनी है, इसके लिए मुझे काम करना है। सॉरी सॉरी बट आई डोंट हैव एनी हाउस, यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस टू बिल्ड योर हाउस। सो द मैन कट ऑल द ब्रांचेज ऑफ द ट्री एंड लेफ्ट हैप्पी। द ट्री वॉज ग्लैड टू सी हिम हैप्पी, बट द मैन नेवर केम बैक। सिंस देन द ट्री वॉज अगेंस्ट लोनली एंड सैड। क्या होता है कि वो लड़का जो रहता है वो वापस उस पेड़ के पास में नहीं आता है। जब वो आता है तो वो उससे बताता है कि मुझे घर की ज़रूरत है और उसके लिए मुझे पैसे कमाने, मुझे पैसे चाहिए। तो पेड़ उससे कहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता है, तो उससे कहता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि तुम मेरी ब्रांचेस काट लो और उसके थ्रू तुम अपना घर बना सकते हो। तो वो वापस जो पेड़ बच्चा रहता है, जो आदमी रहता है, वो वापस खुश हो जाता है। वो क्या करता है, उसकी कट करता है, उसकी ब्रांचेस को काटता है, शाखाओं को, और वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। लेकिन ट्री बहुत ज़्यादा ग्लैड होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है उस लड़के को खुश देख, उस आदमी को खुश देखकर। लेकिन वो आदमी फिर वापस कब बहुत टाइम तक वापस नहीं आता है और पेड़ वापस अकेला पड़ जाता है। वन हॉट समर डे द मैन रिटर्न एंड द ट्री वॉज डिलाइटेड। कम एंड प्ले विथ मी, द ट्री सेड। वापस वो पेड़ के पास आता है एक दिन गर्मियों की दोपहर में। द ट्री वॉज डिलाइटेड, ट्री जो रहता है, पेड़ जो रहता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, उससे कहता है आओ और मेरे साथ खेलो। लेकिन वो आदमी वापस आता है सेलिंग, आई एम गेटिंग ओल्ड, वो क्या कहता है, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, आई वॉन्ट गो टू सेलिंग द रिलेक्स, और मैं दूर जाना चाहता हूँ नाव से, क्या करने के लिए, रिलैक्स फील करने के लिए, आराम करने के लिए। कैन यू गिव मी अ बोट, वो आदमी उससे पूछता है क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो। तो पेड़ उससे कहता है, यूज माई ट्रंक एंड बिल्ड योर बोट, यू कैन सेल फॉर अवे एंड। पेड़ उससे कहता है कि नाउ कट माई ब्रांचेस, कट माई ट्रंक, तुम मेरे ट्रंक को, तने को काट सकते हो और उसके थ्रू बोट बना लो, और उससे तुम जहाँ जाना चाहते हो रिलैक्स करने के लिए वहाँ तुम जा सकते हो। तो वो वहाँ से, वो आदमी उसके तने को काटता है, उससे बोट बनाता है और हैप्पली खुशी खुशी वहाँ से उस बोट के थ्रू सेल करते हुए वो दूर चला जाता है, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और काफ़ी टाइम तक फिर वापस वो दिखाई नहीं पड़ता है। फाइनली द मैन रिटर्न आफ्टर मैनी ईयर्स, सॉरी माई बॉय बट आई डोंट हैव एनी थिंग फॉर यू एनी मोर, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, नो मोर एप्पल्स फॉर यू, द ट्री सेड। नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी टीथ टू बाइट, द मैन रिप्लाइड। जब वो वापस आता है तो पेड़ उससे कहता है कि सॉरी, वो कहता है क्षमा करना मैं लड़के, आई डोंट हैव, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, और अब एनी मोर, कभी अब मैं और तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मैं एक केवल एक
स्टंप रह गया हूँ, बूढ़ा स्टंप। नो एप्पल्स, मेरे पास अब सेब नहीं है तुम्हें देने के लिए। नो प्रॉब्लम, वो लड़का कहता है कि कोई समस्या नहीं है, अब मेरे पास दांत ही नहीं है कि मैं फलों को या एप्पल्स को खा सकूं। देन द ट्री सेड, उसके बाद पेड़ उससे वापस कहता है, नो मोर ट्रंक फॉर अप यू टू क्लाइंब अप, अब मेरे पास ट्रंक तने भी नहीं है जिससे तुम उसके ऊपर चढ़ सको। आई एम टू ओल्ड फॉर द दैट नाउ, द मैन सेड, आदमी कहता है कि मैं उसके लिए, मेरे पेड़ कहता है कि मेरे पास अब तने भी नहीं है जिसके ऊपर तुम चढ़ सको। तो वो आदमी कहता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं उस पर चढ़ने के काबिल नहीं रह रहा हूँ। आई रियली कैन नॉट गिव यू एनी थिंग, द ओनली थिंग लेफ्ट इज माई डाइंग रूट एंड ट्री सेड विथ टीयर्स, पेड़ आंखों में आंसू ला के कहता है कि अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास केवल ये डाइंग मतलब एक मरी हुई क्या है, जड़ें रह गई हैं। अब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये कहते कहते हुए। आई डोंट नीड मस्ट नाउ जस्ट अ प्लेस टू रेस्ट, आई डू नॉट नीड मच नाउ, पेड़ कहते, वो आदमी कहता है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं रह गई, मुझे बस एक जगह चाहिए जहाँ पर मैं आराम कर सकूँ। आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूँ, आफ्टर ऑल दीज ईयर, द मैन रिप्लाइड, इन सालों में बहुत ज़्यादा मैं थक चुका हूँ, वो आदमी कहता है। तो पेड़ से कहता है, ओल्ड ट्री टर्न, मेरा जो तना है, मेरा ये जो है, ये तुम्हारे लिए बेस्ट प्लेस है, तुम आओ और आराम करो।